किसी भी देश का सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपने ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग अलग रुतब हासिल करता है, और इसके लिए सभी देश अपने जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इसको मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भारत और चीन के बीच हर वक्त लड़ाई झगड़े जैसी हालात बनी रहती है, लेकिन लड़ाई के दौरान कब कौन किस पे भारी पड़ जाए ये उस ट्रेनिंग पर ही निर्भर करता है। तो आइए आज जानते हैं इंडिया और चाइना के पैरा कमांडो का ट्रेनिंग में क्या फर्क है। तो चलो चलते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं चाइना की और एक नज़र डालते हैं चाइना के पीएलए स्पेशल फोर्सेस पे। फिजिकल ट्रेनिंग, दोस्तों चाइना के सभी कमांडो किसी ना किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं, और ये एक जरिया होता है सर से पांव तक मजबूत बनाने का। पीएलए अपने जवानों को सर से पत्थर तक टकरा जाने का ट्रेनिंग देते हैं। इसके जिस्म के इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि ये लकड़ी के बड़े बड़े मोटे गत्तों को भी तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई ट्रेनिंग का सर तक घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और फौलाद बढ़ने के लिए इस कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। इंसर्शन ट्रेनिंग, दोस्तों पीएलए अपने जवानों को ऐसे ट्रेन करती है कि वो अपने दुश्मन के इलाकों में भी किसी रास्ते से घुस पाए, फिर चाहे वो रास्ता समुद्र का हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों को ट्रेनिंग में शामिल होती है 10 किलोमीटर लंबी स्विमिंग। इन्हें छोटे छोटे आइलैंड पर रहने की सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही इनको पहाड़ों पर पानी में या फिर जंगल में पैराशूट से कैसे उतरना है और कैसे आगे बढ़ना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। पासिंग द पार्सल, दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो बच्चों का खेल होता है और इसमें क्या खतरनाक। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में सैनिकों को जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। ये ग्रेनेड जब तक पास करते हैं तब तक जहां से शुरू किया गया था वापस ना आ जाता, और ये खेल जब तक चलता है तब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन में न दबा दे। दोस्तों ट्रेनिंग में ही ये सैनिक मौत का खेल खेलते हैं, तो इसका नतीजा ये आता है कि असल में भी वो किसी भी चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराते। माउंटेन ट्रेनिंग, दोस्तों हिमालय के पहाड़ियाँ भारत और चीन को दो हिस्सों में बांटती है, तो ऐसे में दोनों ही फोर्सेस के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हाई एल्टीट्यूड के लिए अपने फोर्सेस को तैयार करें। चाइना अपने कई सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से लेकर 18,000 ऊंचाई पर ट्रेन करता है। इतने ऊंचाई पर ये जवान हैवी मशीन का इस्तेमाल के लिए सभी यंत्रों के अलावे बैटल रिसोर्स और फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी करता है। सर्वाइवल ट्रेनिंग, दोस्तों जंगलों पहाड़ों में इन जवानों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें इनको ये बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करते हैं और आग कैसे जलाते हैं और नेचुरल शेल्टर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ये कमांडो एडवांस कंप्यूटर और फॉरेन लैंग्वेज में भी काफ़ी ट्रेंड होते हैं, और यही कारण होता है कि पीएलए के स्पेशल ऑपरेशंस कमांडो दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक हैं। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भारत के कमांडो चीन के कमांडो के सामने कुछ भी नहीं है तो आपका ये मानना बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें भारत में मिलने वाली पैरा कमांडो ट्रेनिंग की, तो भारत में पैरा कमांडो की कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती, बल्कि इसकी सिलेक्शन आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट से करी जाती है, और कुछ खास जवानों को चुनने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग कैंप में भेज दिए जाते हैं, जहां शुरू होती है इनकी बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आम ट्रेनिंग से 10 गुना से भी ज़्यादा कड़ी और हार्ड होती है। इस ट्रेनिंग में पीले स्पेशल के जवानों की तरह नहीं बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है कि आमतौर पर ये बात सोच भी नहीं सकते। ये एक्सरसाइज जवानों के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के एक्सट्रीम प्रेशर में ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। फिर इस ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग दी जाती है, और 36 घंटे के स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से, जब जवान करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कड़कती ठंड में सो रहे होते हैं। तब इन जवानों को बम के धमाके और गोलियों की आवाज़ से इन्हें कच्ची नींद से जगाया जाता है। घबराहट में उठे जवानों को फौरन लाइन में लगने का आदेश दिया जाता है। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें हर रात 1 या 2 घंटे ही नींद दिलाई जाती है। ये पैरा कमांडो के 36 घंटे बेहद मुश्किल ट्रेनिंग की शुरुआत है। दिमाग और शरीर से थक कर चूर हो चुके इन सैनिकों को एक बार फिर रूटीन एक्सरसाइज करा देती है, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि इसमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते, और इसके बाद इनके ऊपर
35 केजी का वजन लाद दिया जाता है और उन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी खड़ी पहाड़ियों पे चढ़ना होता है। और दोस्तों एक खास बात, इन सैनिकों में सादी वर्दी में एक और सैनिक होता है जो कि उन्हें वापस रेजिमेंट में लौट जाने के लिए उकसाते रहता है। उसके बाद उन्हें अपने दोस्त को कंधे पर उठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडो का यह मानना है कि वो अपने साथी को कभी दुश्मन के इलाकों में छोड़ नहीं आना है, चाहे स्थिति जैसा भी हो। 5 घंटे के कंटिन्यू ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आराम दिया जाएगा इनको, तो बिल्कुल आप गलत हो। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। अब इन्हें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें इसके पास 30 केजी का बैटल लोड और हथियार तो होते ही, साथ ही हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो के बड़े कैन दिए जाते हैं, सेकेंड राउंड में इन्हें ट्रक का टायर और थर्ड राउंड में लकड़ी का भारी भरकम टुकड़ा दिया जाता है, जिसका वजन लगभग 30 से 70 किलो तक होता है। और हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास केवल 1 घंटा ही टाइम होता है, और ये सब कंटिन्यूस ट्रेनिंग पिछले 9 घंटे से लगातार कर रहे होते हैं। कमांडो बिना खाए लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन कमांडो की सारी ताकत निचिड़ चुकी होती है। इस बाद इन कमांडो को हाथ पैर बांध कर 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में इनके साथ एक और कमांडो रहता है जो इनको केवल जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल से डर को पूरी तरह निकालना। अब तक 36 घंटों में से केवल 14 घंटे ही पार हुए होते हैं। इसके बाद इन्हें एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है जो देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें गटर का पानी दे दिया हो। असल में ये एक जूस होता है जिसमें रिहाइड्रिक एसिड मिला होता है, और ये ट्रेनिंग में इस लिक्विड को गंदा पानी ही बताया जाता है। इस तरह ये अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। फिर बात आती है मेंटल ट्रेनिंग की, जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है, और इतने सारे दबाव में भी कई सारे सवालों का जवाब देने होते हैं। इसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होता है, और इसमें जो जवान फिट पाए जाते हैं उनको 10 किलोमीटर मार्च में भेज दिया जाता है। और इस स्पीड मार्च के बाद 20 घंटों से भूखे जवानों को खाना तो दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल रूखा सूखा। खाना खाने के बाद इन पे नींद हावी होने लगता है। फिर ट्रेनिंग टीम इनसे अलग अलग काम करवाती है ताकि वो अगले 6 घंटे तक सोए ना। 6 घंटे बाद इन्हें स्पीड मार्च करवाया जाता है। फिर इन जवानों में 5 घंटों के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां उनका कॉम्बैट स्किल को चेक किया जाता है। फिर ये कीचड़ में उतरते हैं, जहां इन्हें रगड़ते हुए अपने हथियार के साथ आगे जाना पड़ता है। इस ट्रेनिंग के कई फेज में कई जवान ऐसे होते हैं जो अपना होश तक खो जाते हैं और हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ जवान इस ट्रेनिंग को पार करके मजबूत फौलाद बनकर ख़त्म करते हैं 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग को और पहनते हैं इस मैरून कैप को। पर दोस्तों, इंडिया और चाइना दोनों तरफ के जवान अपने टफ ट्रेनिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों देशों के कमांडो ट्रेनिंग को देखकर आपको कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।